आज हम एक गली से होके गुजर रहे हैं। देखा गया है कि इस गली में जहाँ पर मुश्किल से एक ऑटो की जाने की जगह है, वहाँ से बस गुजरती है, वो भी डबल डेकर बस। आप आपको मजाक जान कर के रहे ये हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे चार पहिया वाला बाइक चाहिए। आपको जान के ये ताजुब होगा, पर ये सच है। हमें इस बात की बड़ी खेद है कि हम इस वक्त इस बस का नज़ारा आपको नहीं दिखा सकते, पर ये देखिए, ये जो बोलेरो आप देख रहे हैं सामने, वो इसी रोड से होके आई है यहाँ पर। अब चलिए, हम न्यू टाउन के मेन रोड पर पहुँच चुके हैं, एक सीन ले लीजिए। स्टॉप कर दो। ये जो आप देख रहे हैं हमारे दाएं तरफ, वो कोल इंडिया का नया ऑफिस बन रहा है, और वो 6 साल से लगातार इसी स्थिति में रहा है। वो बिल्डिंग 6 साल से लगातार इसी स्थिति में है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए कोल इंडिया की बिल्डिंग। पर हमें ये आशा है कि जब ये बन के पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब एक मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा। आगे ये आसमान को छुएगा, वो लैंप पोस्ट को भी। हाँ चलिए आगे, तो आगे आगे चलो। ए छत पर आ गए हैं, और आप छत का नज़ारा देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ये इतना बड़ा टावर आप देख सकते हैं, कितना बड़ा टावर है छत्तीस का वो। ये इस टावर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। यहाँ 5,000, आपने सही सुना, 5,000 अलग अलग टेलीकॉम नेटवर्क्स ने अपना यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है। आप जाल देख सकते हैं, और ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड टंकी। यहाँ पाइप रुक जाता है यहीं पर। हे भगवान, पानी कहाँ जाता है इसे कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये है वो अद्भुत जगह, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स है, कितनी बिल्डिंग्स है। पीछे देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पार्ट 2 यहाँ बन रहा है। आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया बिल्डिंग से भरती है। अरे हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपना काम। आइए अब हम चल के ले जाते हैं आपको, गाय से मिलाते हैं। चलिए गाय के पास स्टॉप कर दे। ये गाय की महापंचायत चल रही है। ये है वो अकेली गाय, हाँ, जो सरपंच है। ये आपके रेसिज्म देख पाएंगे यहाँ, दो अकेली सफ़ेद गाय अकेले एक साथ बैठी है, और ये काली वाली अकेले, इसे रेसिज्म कहेंगे आप। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। आप जान सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी जानवरों की दुनिया में बड़ा प्रबल है। इसे हटाने के लिए बड़ा संघर्ष लड़ रहे हैं, देखिए आप देखिए, मोतीलाल कुत्ता जैसे और गाय लाल चंद्र, इन जैसे महान लोगों ने बड़े संघर्ष लड़े हैं गायों के भी डिस्क्रिमिनेशन हटाने की। पर ये, तो अभी ये भी डिस्क्रिमिनेशन आप देख ही सकते हैं, इन दो गायों का गोबर से हमारे आजकल का सीमेंट बनता है, और उस गाय का गोबर वहाँ अकेला पड़ा हुआ है, ये वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। आप जो अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं, ये वो है काली गाय का घर, काली गाय। अब सफेद गाय का घर देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप देख के चौंक जाएंगे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है इस देश में। ये रहा वो सफेद गाय का घर, जहाँ पे AC, LCD TV, प्रोजेक्टर, कैमरा सब लगा रहा हुआ है, और ये है एक काली गाय का घर, जहाँ पे ठीक से पंखा भी नहीं चलता है। पंखा है भी नहीं, पंखा आप पंखे के बाद छोड़िए, यहाँ पे छत भी ठीक नहीं है। यहाँ पे काली गाय कब इसके ऊपर छत गिर जाए, कुछ पक्का नहीं। और आप उसके आसपास के उसके साथ वाले घर भी देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं। देखिए उधर देखिए, ये तो एक गरीब सफ़ेद गाय का घर है, और वो देखिए सबसे बड़ी गायों का घर, सफ़ेद गायों का। अभी 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 आपने देखा कि सिद्धांत अपने जरूरी मीटिंग, बिल गेट्स से उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि वो अपने 50% शेयर खरीदना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और हम इसका लगातार कवरेज पाने की कोशिश करें। जल्दी आइए। बात करते करते हमें गला सूख गया होगा, जूस के लिए पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमी न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें।